जलंधर विच बीती देर रात 11:30 बजे के करीब मोहल्ला गोबिंदगढ़ विच कुछ मुंडिया ने केबल ऑपरेटर सागर के घर विच दाखिल होकर तेज हथियारों के नाल जानलेवा हमला कर दिता। हमला करन वालियां तो अपना बचा करन लई सागर ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर तो 2 राउंड फायर भी किए, जिसके डर तो हमलावर मौके तो फरार हो गए। हमले दौरान 3 लोग बुरी तरह जख्मी हुए ने, जिन्होंने निजी अस्पताल विच दाखिल करवाया गया है। दसिया जा रहा है कि पैसों के लेन देन के कारण कोई पुरानी रंजिश चल रही थी। सागर ने दसिया कि उसने लाइसेंसी रिवॉल्वर तो हवाई फायर किए ताही हमलावर फरार होए, वरना वो जान तो मारन की नीयत नाल हमला करन आए सन। मौके पर पहुंचे थाना बारादरी के सब इंस्पैक्टर सुखचैन सिंह ने दसिया कि झगड़े की सूचना मिलते ही उन्होंने वालों मौके पर पहुँच के जांच शुरू कर दी गई। इलाके ते घर विच लगे CCTV कैमरे की फुटेज की भी जांच की जा रही है। जल्दी ही पीड़ितों के बयान के आधार पर कार्रवाई करदिया आरोपियों नूं गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शरणदीप सिंह, हाँ जी, की गल हुई भाजी? गल इदा हुई जी, 4 मुंडे मेरे महल्ले दे ही है, अगे पिछे रहिंदे आ। वो आ गए, उन्होंने मेरे घर के बाहर आ गए, मेरे को पैसे मंगे, ठीक है जी। जो तो पैसे नहीं दिते तो पैसा करके साड़ी लड़ाई हुई, तो इन्होंने मेरे घर अंदर वड़ के मेरे भी हमला किया, ठीक है, मेरे फादर का भी किया, मेरे मदर का भी किया, ठीक है जी। मेरी चैनी भी ला ली तो पैसे भी चक ले। ये चोर बंदे है, चोर सच के पता लगा फायर भी हुए है। फायर मेरे को 2 फायर हुए है, ठीक है जी। फायर होने तो बाद पिस्तौल खोलिया उन्होंने, बस चार फायर किए, मैं नहीं किए फायर। बाद सर झगड़ा किस गल नूं लगे हुआ? झगड़ा यही भाजी, पैसे मांगते हैं नजायज। किस गल लई? हाँ जी, कि कद ले जी पैसे दे, जे केबल चलानी तो पैसे सानू दे। तुसी कड़ी केबल चलाने हो? दैनिक सवेरा। ते ओ कड़ी केबल चलांदे पे? ओ कोई केबल नहीं चलांदे, कहिंदे पैसे दिओ। हाँ जी, हाँ जी, हैं, हाँ जी। ते सर तुहाडी रिवॉल्वर ही लगे इधर? हाँ जी, हाँ जी, सामने ही है घर दे अंदर, खून नाल लथपथ है, घर के बजुर्गों के सट्टा मारियां। ये बदमाशी जड़ी है, सीधा सीधा बदमाशी है, जो किसी नाल लड़ाई है, बच्चियां की लड़ाई है, सड़क पर करो, रात को बेटाइमे किसी के घर आ के लड़ना, मैं समझता है गुंडागर्दी है, और इस गुंडागर्दी को किसी भी प्रकार नाल सहन नहीं किया जाना चाहिए। सर लड़ाई किस गल हुई है? तो जिस तरह ये दस रहा कि अपना सागर के कोलों कोई पैसे मांग रहे थे, उन्हें नहीं दी, कुछ इदा की गल है, उसने मना किया है, तो नशे के जोर के या की जोर के उन्होंने घर के अंदर वड़ के बदमाशी की है, जी सहन योग नहीं है। सर इन्होंने वालों किन्ने फायर किए, दूजी पार्टी वालों किन्ने फायर? दसते हैं कि अपने बचाव के लिए अपने लसंसी पिस्तौल चो 2 फायर किए, तो उसके पिता ने उन्होंने जफा पाया कि कोई अणहोनी घटना ना घटे, पर इन्होंने पिता को बच्चे को रोकने तो बाद जड़ा है जफा उन्हें पाया कि मेरा पुत बचे, पर वो दूसरे बंद ने वह लाभ लैके पिस्तौल भी खोया, इन्हों के घर के अंदर वड़ के सट्टा भी मारिया, खून ना लग पा। सर काफ़ी लंबा, सर काफ़ी लंबा समा हो गया, मगर पुलिस मौके तक, पुलिस मौके तक, पुलिस को जो दसया गया क्योंकि घर के अंदर ही डर गए, इन्होंने घर के अंदर कुंडी ला के रखी, जो दोस्त अपने रिश्तेदार ने आना है वे ब्रदर ने बुलाया, इन्होंने छोटे ब्रदर ने सू टैलीफोन किया, आप आए, आप पुलिस को इनफॉर्मेशन दी, 5-7 मिनट अपना की इनफॉर्मेशन आई सी अज? इनफॉर्मेशन आई थी कि कोई महला गोबिंदगढ़ है, कोई लड़ाई झगड़ा आया, वो सब मौका पहुंचे, मौका पर पुजे हैं, पता लगा भी जरा शरणदीप सिंह माता जी सुखविंदर कौर है, पिता दलजीत सिंह है, उन्होंने घर के अंदर वड़ के कुटमार की है, तो उन्होंने सट्टा लगी, इन्होंने कहा भी अपना जो मेडिकल इलाज वगैरह कराओ, जो भी स्टेटमेंट वो मुताबिक जो ही बनती कार्रवाई है वो करा। सर पीड़ित ने यह दसिया कि फायर भी हुए इतने, जो भी है तस्दीक कर रहे हैं, इतने कोई अजे सू किस तरह की खोल जाओ कोई चीज़ नहीं मिली, बाकी जो भी होगा जो भी है कार्रवाई कर। सर इतने जिते तुम मौके से खड़े हो किन्ने बंदे घायल हुए है? साढ़े मुताबिक 3 जिन्ह ने सट्टिया लगिया। तो यह पता लगा लड़ाई झगड़ा क्यों हो? कोई आपस के कोई खेड रहे, कोई गली के खेड रहे थे, तो गलबात हुई कोई तस्दीक कर रहे, मैटर सारा इन्वेस्टिगेशन कर रहे, जो भी मुताबिक कार्रवाई करा।